स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्क्रीन टाइम आउट को हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम आउट क्या होता है फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा, जैसे कि आपकी जो स्क्रीन है वो 15 सेकंड बाद या फिर 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, तो उस सेटिंग को हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से कैसे हम उसको सेट कर सकते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये पोको का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे, सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको इसके ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, यहाँ पर आपको दिखा रहा है स्प्लिट, स्प्लिट सेटिंग पर हम क्लिक करने वाले हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, दो मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, तो आप यहाँ से कोई सा भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं 2 मिनट का कर लेता हूँ, या फिर आप देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 10 मिनट का। 10 मिनट का करने के बाद आपके 10 मिनट का हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।